अभी मैं बहुत खुश हूँ मेरी शादी के बाद, और मैं बहुत कंप्लीट फील कर रही हूँ। मैं जेंडर इक्वेलिटी में बहुत मानती हूँ। मुझे इतना पता है कि मुझे किसी की बीवी नहीं बनना है। यूट्यूब से जो शादी के मंत्र होते हैं वो मैंने ब्लूटूथ से बजाए थे। लक्ष्मी गणेशाय मम गृहे धन देहि चिंता। शादी में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे शादी प्रीपोन करनी पड़ी। मेरा वेन्यू चला गया था शादी का। शादी में जो पंडित, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है शादी कराने के लिए, वो भी जा चुका था। किसी तरह की किसी की तरफ से नहीं मिली, बट मैं अपनी शादी चाहती थी शांतिपूर्वक हो। पूरी दुनिया को पता था मेरी शादी 11 को होने वाली है, तो मैं बहुत अनश्योर थी 11 को शांति से मेरी शादी हो पाएगी। हवन कुंड जलाते हुए मैंने खुद को सिंदूर लगाया, मंगलसूत्र पहनाया, वरमाला पहनाए, मैंने फेरे लिए शादी के बाद। खुशी से, शौक नहीं बोलूँगी, सरप्राइज़ बोलूँगी कि एक्चुअल में जो मुझे करना था वो हो गया, वो पॉसिबल है और वो मैंने कर लिया, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। शादी रजिस्टर करवाने के लिए कुछ करने वाली हैं? जी, मैं क्योंकि शादी हुई है प्रॉपर और सबको पता है शादी हुई है, तो शादी रजिस्टर तो होनी चाहिए। जो लोग मुझे बोलते हैं हिंदू फोबिया हो रहा है, या फिर हिंदू में लड़कियां कम हो रही हैं, हिंदू संस्कृति ख़राब कर रही हूँ, ये लोग वही लोग थे जो LGBTQIA+ सेक्शन 377 के होने के पहले भी उनको बोला करते थे, और आज जब लीगली वो चीज़ को सम्मान दिया गया है तो लोग चुप हो गए हैं, और ये लोग भी चुप हो जाएंगे। मैं जेंडर इक्वेलिटी में बहुत मानती हूँ, तो जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा इसके लिए खड़ा होने का, मैं ज़रूर जेंडर इक्वेलिटी के लिए खड़ी होंगी। अगर कोई पसंद भी आ जाता है तो मैं किसी की बीवी बनना मंजूर नहीं करूँगी। तो फिर कैसे करेंगी? पसंद आता है तो? पसंद आ जाता है तो वो पसंद को वहीं ख़त्म करना होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं खुद से शादीशुदा हूँ।